अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन को मारने की ख्वाहिश रखता था व्यक्ति व्हाइट हाउस के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की। एक बड़े ट्रक को सीधा व्हाइट हाउस के बैरियर से ठोक कर व्हाइट हाउस की बिल्डिंग के अंदर परिसर में घुसने की ख्वाहिश रखता था कातिल। बाइडन को कत्ल करने की साजिश रचते हुए पिछले 6 महीने से लगातार अपनी नोटबुक में प्लानिंग कर रहा था। जी हां, कौन है यह आतंकवादी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन का कत्ल करना चाहता था? मेरे दोस्तों, इस खबर के बाद अमेरिकी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन भारतीय मीडिया में शांति है। इसकी वजह आप समझ गए होंगे। जी हां मेरे दोस्तों, बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हैं। असल में ये आतंकवादी भारतीय है और भारत का रहने वाला हिंदू समाज का सनातनी है, जिसने बाइडन को कत्ल करने की कोशिश की है। तमाम ये जानकारी अमेरिकी मीडिया ने ही दी है और भारत के कुछ अखबारों ने इसको छापा है। इस शख्स की तस्वीर आपके सामने है जिसने बाइडन को कत्ल करने की कोशिश की है। दोस्तों, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और नाम इसका साई वरिष्ठ है, जो कि हिटलर से इंप्रेस्ड है। इस ट्रक को लेकर वो जब व्हाइट हाउस की दीवार से टकराने के लिए चला तो इसके पास नाजी का झंडा था। जी हां, अब आप समझिए कि एक हिंदू जो भारत का है, जो कि इंडियन है, वो 70 साल के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को कत्ल करने की ख्वाहिश रखता है, 6 महीने से प्लानिंग करता है और इस प्लान को अंजाम देता है, लेकिन फेल हो जाता है। वो हिटलर का फैन है और आप जानते हैं कि भारत में एक खास समुदाय, एक खास पार्टी के लोग हिटलर के फैन बहुत तगड़े वाले हैं और हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपको दिमाग पर ज्यादा जोर डालना नहीं पड़ेगा कि आखिर उसका भारत के इन तमाम संगठनों से कैसा कनेक्शन होगा। अब यह अमेरिका की FBI के हाथ में है कि तमाम लिंक्स को वो चेक करे, तमाम चीजों को चेक करे कि आखिर ये सनातनी हिंदू, आखिर ये भारतीय हिंदू अमेरिका में रहकर 6 महीने तक कौन कौन से लोगों से कनेक्टेड था भारत में और किसके इशारे पर जो बाइडन का कत्ल करने की ख्वाहिश रख रहा था। मेरे दोस्तों, इस मामले को इस तरह से गटक लिया गया है गोदी मीडिया के द्वारा, जैसे गोदी मीडिया को यह पूरा प्लान पता था, अब उसको इस खबर को छुपाना है। 19 साल का साई वरिष्ठ कंडूला जो भारतीय है और जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है, फिलहाल अमेरिका की पुलिस की गिरफ्त में है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं। सब कुछ अब अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका की खुफिया संस्थानों को इस चीज को चेक करना होगा कि ऐसे और ऐसे समाज से जुड़े हुए लोग जो नाजी से प्रभावित हैं, उनके सोशल मीडिया की गहनता से जांच की जाए, पड़ताल की जाए, वो किन किन लोगों और किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। आपका इस पर क्या कहना है? रिपोर्ट को शेयर कीजिए। दिस इज लाइफ ऑफ अंधभक्त। क्योंकि भारत में जो बहुसंख्यक समाज है वो डोनाल्ड ट्रंप का फैन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मोदी का फैन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए मोदी ने अमेरिका में कहा था आपकी मार ट्रंप सरकार। वहीं दूसरी तरफ मोदी के चाहने वाले भारत के हिंदूवादी ट्रंप के जीतने के लिए भारत में कैंपेन तक चला रहे थे और पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन बाइडन जीत गए तो फिर मुंह पर कालिक पुत गई और फिर बाइडन को ही मोदी का दोस्त बताना शुरू किया गया। लेकिन आज इस अमेरिका में रहने वाले भारतीय हिंदू 19 साल के लड़के ने, जो कि हिटलर का फैन था, उसने ऐसा बड़ा कदम उठा के कई तरफ इशारे किए हैं। जय हिंद।